पॉलिटिकल एक्सपर्ट एके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही वरिष्ठ मिश्रा जी। देखिए मैं आपको बताऊं, सरकार किसी की भी रहे, आप हजारों लाखों साल की यहाँ संस्कृति उठा लीजिए, एक राजा के क्या दायित्व होते थे शासन और प्रशासन की, मैं पुराने टाइम से बता रहा हूँ। सबसे पहले भय मुक्त समाज का माहौल बनाना। इसी चीज के लिए आप ये देखिए, हमारे इतिहास में जितनी लड़ाइयां हुई हैं, जितने भी शासक रहे हैं, सबने लड़ाइयां केवल इसी चीज के लिए की है कि जो लोग समाज में भय पैदा करते हैं, जो अराजक तत्व हैं, उनका विनाश किया जाए। मैं फिर बोलता हूं, सरकार किसी की भी हो, जनता का सबसे पहला अधिकार होता है कि वो भय मुक्त रहे, यानी रात को 12 बजे भी वो कहीं पे जाए तो उसको सुरक्षा की भावना आनी चाहिए। सबसे पहली चीज ये, भयमुक्त समाज में ही समाज आगे बढ़ सकता है, समाज की, देश या प्रदेश की इकोनॉमी आगे बढ़ सकती है। पाकिस्तान में बाहर के इन्वेस्टर क्यों नहीं जाते, जहां ISIS काम कर रही है वहां इन्वेस्टर जाके कोई क्यों नहीं लगाता है? तो ये तो एक बहुत बेसिक चीज है, और इसी बेसिक चीज के ऊपर हमारे पूरे देश की संस्कृति बनी हुई बसी हुई है हजारों साल से, तो ये पुनर्स्थापना हो रही है। केवल इतना ही नहीं, मैं देखिए, आप प्रजा को दो चीजों से भय होता है, एक तो जो अराजक तत्व है, और आप अंग्रेजों के टाइम पे देखिए, प्रजा को भय किससे था, शासक से भय था, तो प्रजा को शासक से भी भय नहीं होना चाहिए, यानी शासन और प्रजा के बीच में ऐसे रिलेशन होना चाहिए कि एकदम अपनत्व तो होना चाहिए। एक चीज और है, देखिए, बड़े बड़े गुंडों का आप जो नामी गिरामी है उनको आप कब्जे में कर रहे हैं, लेकिन ऐसे अपराधों की तरफ भी आप ध्यान दीजिए जो छोटे छोटे गलियों में होते हैं। जैसे महिलाएं अगर सोने की चैन पहन के जाती हैं तो चैन स्नैचिंग होती है, इस तरफ जो है अभी आज का जो शासन है, इस तरफ उनका ध्यान शायद उतना नहीं है, क्योंकि वो तवज्जो थोड़ा बड़े केसेस को ज्यादा दे रहे हैं। बिल्कुल, तो दोनों तरफ से करना चाहिए। एनकाउंटर दिन में कम से कम ऐसी 4 खबरें आ जाती हैं, तमाम क्षेत्र में एनकाउंटर जारी हैं, लेकिन इसके बाद हम और या पुलिस प्रशासन या सरकार इस बात को लेकर निश्चिंत तो हो जाए, जैसे एनकाउंटर का एक दौर आता है कि ताबड़तोड़ एनकाउंटर होते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन भी ठंडा पड़ जाता है, तो इसको कंटिन्यूटी में बनाए रखना, ऐसा नहीं है कि हर मिनट पर एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन जैसा आपने कहा कि छोटे छोटे अपराध से ही बड़ा अपराधी बनता है, तो उस पर भी गलियों में किस तरीके से लड़कियों को छेड़ा जाता है, चेन स्नैचिंग होती है, इस पर भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बड़े बड़ों का एनकाउंटर करके आप ढेर कर देंगे, लेकिन छोटी छोटी चीजों से एक बड़ा अपराधी पैदा होता है। मिश्रा जी, नहीं देखिए, मैं आपको बताऊं होता क्या है, आज आपका एक मोबाइल अगर खो जाए तो आप उसको जाइए पुलिस, अभी भी मैं बताऊं पुलिस FIR नहीं लिखती है, या आपको उसको पुलिस हैंडल ही नहीं करती है ये सोच के कि ये छोटी चीज है। देखिए, सबसे ज्यादा खतरा आज भी और हजारों साल पहले भी जो सबसे ज्यादा खतरा था वो था हमारे देश में महिलाओं का, हमेशा गहने और मतलब गहने से लदी हुई जो महिलाएं होती थी, सड़क तो इतनी सुरक्षित होनी चाहिए कि कोई महिला कोई लड़की अगर गहनों के साथ जा रही है तो किसी की हिम्मत ना हो। मैं इन छोटे छोटे अपराधों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं, मैकेनिज्म आए कि आपका जो मोबाइल फोन चोर दिन दहाड़े चोर मतलब ये हो जाता है, दिन में 12 बजे चैन स्नैचिंग हो जाती है, महिलाओं का पर्स लेके चले जाते हैं, तो जितना इम्पोर्टेंट वो है माइक्रो लेवल पे सुरक्षा को मेंटेन करना, इस तरफ भी जो है योगी सरकार को या कोई भी सरकार हो पास्ट में या फ्यूचर में, सबसे पहले इस चीज को दिया जाना चाहिए कि जो छोटे छोटे अपराध हैं, देखिए इन अपराधों के कारण, चैन स्नैचिंग के कारण जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है, जो सुहागन है, वो अपने 16 श्रृंगार करके नहीं निकल पाती है, बिल्कुल गले में चैन नहीं पहनती, कान में बालियां जो उनके आभूषण होते हैं वो पहनना उन्होंने बंद कर दिया है, तो इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। काम करें, जो बड़े बड़े एजेंडे आपके जो उस वक्त दिखाई देते हैं वो जमीनी स्तर पर पूरी तरह इंप्लीमेंट हो। मिश्रा जी, हम खाकी का खौफ पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं अपराधियों के अंदर कि खाकी का नाम सुनते ही वो कांपे, लेकिन खाकी खुद खतरे में है आज, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। उसके पीछे कारण है मैम, देखिए क्या है कि 20 करोड़ की जनता, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं और पूरे देश के पुलिस व्यवस्था की बात करूं, तो अपराधियों के पास जहां ऑटोमेटिक मशीन गन्स और ये सारी चीजें होती है, और हमारे पास एक छोटा सा रिवॉल्वर होता है, ये होता है सिस्टम को अपग्रेड करना। एक आदमी रक्षक यानी पुलिस डिपार्टमेंट दूसरों का रक्षक तभी बन सकता है जब वो हर तरीके से मजबूत हो, और आज के डेट में मजबूती का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकली उनको इक्विप्ड किया जाए, उनके हथियार ऐसे हो, उनकी ट्रेनिंग ऐसी हो, मतलब एक एक सिपाही इतना मजबूत हो, उनकी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए, उनके व्हीकल्स ऐसे हो, आप पुलिस की खटारा जीपे देख लीजिए, उससे वो जो है किसी अपराधी का पीछा करेंगे।
20 करोड़ की पॉपुलेशन पे यूपी पुलिस के पास एक हेलीकॉप्टर नहीं होगा, मेरा दावा है। आप ये देखिए, अगर आपको अपराधियों से आगे होना है तो कम से कम एक एक कमिश्नरी में एक नेताओं के लिए हेलीकॉप्टर अवेलेबल है। उनको कहीं जाना हो, नेता लोग बिना हेलीकॉप्टर के नीचे जाएंगे नहीं। जितनी भी कमिश्नरी है, एक कमिश्नरी में एक हेलीकॉप्टर आप रखिए, ताकि अगर अपराधी कहीं से भी भाग रहा हो, खेत में भाग रहा हो, कहीं पे भी हो, तो हेलीकॉप्टर से उसको फॉलो अप करना और ट्रैक पे लिए रहना जब तक कि ग्राउंड लेवल की फोर्स नहीं पहुंचती है। उनके कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है, उनकी ट्रेनिंग क्या है, एटलीस्ट हमारी पुलिस व्यवस्था को कम से कम अपग्रेड करके आप ये देखिए मिडिल क्लास एक नेक्स्ट लेवल तक, जैसे सीआरपीएफ सेंट्रल की जो फोर्सेज पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है, उस लेवल का इक्विपमेंट हो, उस लेवल की ट्रेनिंग हो, उस लेवल की उनकी नेटवर्किंग हो, ये सारी चीजें तब जा। अदरवाइज देखिए इतने ज्यादा अपराधी लोग हैं, इतने लोग मिले हुए हैं छोटे से लेके बड़े तक, कि उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। जब तक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं जो है ऐड किया जाएगा, इनकी इफिशियंसी नहीं बढ़ेगी, तो ये चीज होना चाहिए। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर अभी ध्यान देना और काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। होने के पीछे बहुत बड़े कारण हैं, जैसे मिस्टर ए के मिश्रा जी ने कहा, नंबर दो हेलीकॉप्टर की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि सड़कें आप कितनी अच्छी नहीं है कि हेलीकॉप्टर स्क्वाड बनाना चाहिए जिसमें 5-6 पुलिस वालों की टीम हो। हेलीकॉप्टर स्क्वाड बना के हर कमिश्नरी में एक हेलीकॉप्टर स्क्वाड बनाए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए जरा।